नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साल 2023 में जैसे नाम वाले लोगों के संपूर्ण वार्षिक राशिफल के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपने जीवन के आने वाले पलों के विषय में जानने की उत्सुकता हम सभी के मन में कहीं न कहीं जरूर छिपी रहती है। हम सभी अपने आने वाले कल से हमेशा उन्नति की आशा करते हैं। तो आइए जानते हैं नए साल 2023 में जैसे नाम वाले लोगों के स्वभाव, शिक्षा, करियर, आर्थिक उन्नति से जुड़े संपूर्ण राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जैसे नाम वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। ज्योतिष अनुसार जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के जे लेटर या हिंदी के जो अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग स्वभाव से चंचल स्वभाव के होते हैं। ये लोग दिखने में इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि कोई भी इनके प्रति आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। इनमें अच्छे गुणों के साथ साथ खूबसूरती का भी जबरदस्त सामंजस्य होता है। ये लोग एक बार जो करने की सोच लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। ये अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के मामले में सबसे आगे खड़े होते हैं। वैसे तो इन लोगों के चाहने वालों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन हम सफर के रूप में ये जिन्हें मिल जाएं, तो वे बहुत ही खुश नसीब समझा जाता है। ये पार्टनर का जीवन के हर मोड़ पर साथ निभाते हैं। इस नाम के लोग लाइफ को खुलकर एंजॉय करने वाले होते हैं। इन्हें घूमने फिरने का भी बड़ा शौक होता है। ये अपने काम के प्रति ईमानदार भी रहते हैं। आइए अब बात करते हैं जैसे नाम वाले लोगों के शिक्षा और करियर के बारे में। ज्योतिष अनुसार शिक्षा और करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत ही शुभ साबित होगा। शिक्षा का पूरा लाभ आप उठाने में इस वर्ष कामयाब रहेंगे। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है। बीच में पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को इस वर्ष किसी शिक्षक के माध्यम से पुनः अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का मौका मिलने के योग हैं। हालांकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एजुकेशन के फील्ड में कोई बड़ी उपलब्धि से आपको नवाजा जा सकता है। इस वर्ष आपकी शिक्षा के प्रति तैयारी वाकई काबिले तारीफ होगी, जिसका आपको भविष्य में अच्छा परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। वहीं करियर में आप उन्नति करेंगे, आपकी कार्यप्रणाली के चलते अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। कारोबारियों की आय में बढ़ोतरी होने के योग हैं। इस वर्ष आप विदेशों से अच्छा धन उपार्जन करने में सक्षम रहेंगे। व्यापार का विस्तार भी आप कर सकते हैं। फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए वर्ष उन्नति कारक है। जॉब में पदोन्नति के साथ ही ट्रांसफर के योग भी मजबूत रहेंगे। युवा जातक नए स्टार्टअप को लेकर उत्साहित रहेंगे। साल के अंत तक का समय करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक और प्रेम जीवन के बारे में। ज्योतिष अनुसार आने वाले वर्ष की शुरुआत में आप उत्तम पारिवारिक और वैवाहिक सुख का आनंद लेंगे। हालांकि वर्ष के मध्य में परिस्थितियां बदल सकती हैं। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आने के योग हैं। जमीन और संपत्ति के विवाद में सफलता मिल सकती है। इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखें कि वैवाहिक जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दें। इस वर्ष आप जीवन साथी के साथ काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे और उन्हें पर्याप्त समय देंगे। वे जातक जो विवाह योग्य हो चले हैं, वे शादी विवाह को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। लव मैरिज के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात उनसे करने के लिए समय शुभ है। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरपूर रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं आपके आर्थिक राशिफल के बारे में। ज्योतिष अनुसार आर्थिक दृष्टि से आने वाला साल आपके लिए कई खुशखबरियां लेकर आएगा। धनोपार्जन के नए अवसर आपको मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके पास पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धन अधिक होगा। स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी के योग हैं। कारोबार में बड़ा आर्थिक लाभ होने से अच्छा खासा धन आप संचय कर पाने में सफल रहेंगे। इस वर्ष पैतृक संपदा से भी लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए आप आमदनी बढ़ाकर इन खर्चों को संतुलित कर पाने में सफल रहेंगे।